मुजना इरम, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। सदर मोहतरम, हसन साहिबान, मुअज्जज़ुल मेहराम, मेहमानान खुसूसी और दीगर इस्लामी भाई और बहनों, आज की इस मुकद्दस मजलिस में मेरा मौज़े खिताब है कौम मुस्लिम तेरे हालात पे रोना आया। आज जब हम मुसलमानों के मौजूदा हालात का जायजा लेते हैं और इससे उनकी माजी का मुआवजा करते तो निगाह खुली की खुली रह जाती है, दिल खून के आंसू रोता है, जिगर पाश पाश और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हम देखते हैं कि आज इंसानियत करा रही है कुर्ब आलम की घटा टोप, अंधेरे में सांस ले रही है, इन पर मसाइब आलम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, दहशत गर्दी का झूठा इल्जाम लगा कर इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमानों में खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, सोची समझी साजिश के तहत इस्लामी मराकज और मस्जिद पर हमले किए जा रहे हैं, इस्लामी शार यानी दाढ़ी कुछ और हिजाब का मजाक उड़ाना रोज का मामूल बनता जा रहा है, फर्जी केसों में फंसा कर सवाल और नेक मुस्लिम नौजवानों को तलाकों के पीछे डाल कर मौत से बदतर जिंदगी पर मजबूर किया जा रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी और आजादी निस्वा जैसे पुरफरेब नारों के जरिए इस्लाम की बिच को बगावत और बेहयाई पर उकसाया जा रहा है। नतीजतन आज हमारी बहनें गैर मज़हब में निकाह करके बेशर्मी बेगैरती कुफ्रे तदाद की नई तारीख रकम करने लगी है। मुसलमानों, कब तक, आखिर कब तक हम अपनी हालात से चश्मपोशी करेंगे और कब तक अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ कर गफलत की चादर तान कर सोते रहेंगे। तुम्हारी ईंट से ईंट बजाई जा चुकी और तुम बेगैरती बेसिका में गड़े में गिरते चले जाते हो, तुम्हारी जान माल इज्जत गैरत और हुरूमतों को पामाल किया जा चुका है और तुम अपनी ख्वाहिशात लज्जात शावात की तस्कीन के लिए मोबाइल इंटरनेट फेसबुक और ना जाने किन किन आलात का गलत इस्तेमाल करते हो। कौम कितनी बुरी कंडीशन को देख कर दिल बैठ जाता है, एक आह निकलती है जबान से बेसाख्ता निकलता है, उठो वगरना हश्र ना होगा फिर कभी, उठो वगरना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल कयामत की चल गया, उठो कौम के मुस्लिम और गयूर नौजवानों की वक्त और हालत में आवाज दे रहे हैं कि तुम अपनी गुफ्तार किरदार काबिलियत और सालियत के जरिए इस्लाम की क़यादत का हक अदा कर दो, उठो इस्लाम की बाहरी बिचो कि तुम अपनी इफ्फत और इस्मत और पाक दामनी की खुशबू से इस बेपर्दगी बेहयाई मुकद्दर और मखलूक सज़ा को मुअत्तर और पाकीज़ा बना दो कि हालात को तुमसे ही मुतालबा है, उठो मिल्लत के कायदो रहनुमाओ और जिम्मेदार हो कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हो सकते क्योंकि तुम मसूल अनिल कौम हो, उठो तालिबान उलम नबूवत और इकराम की कयामत तक इस रोए जमीन पर इस्लाम को जिंदा व पाइंदा रखने की जिम्मेदारी आपके मजबूत शान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डाल दी है, उठो जो वक्त में पुकार रहा है वरना बहुत देर हो जाएगी और कल बरोज़े महशर तुम अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे, उठो और इस बात का इकरार करो कि हमारी इन हालात की जिम्मेदार हम खुद है, अगर हम लोगों ने अपने अंदर तब्दील कैद न किए तो हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे और इस सफेहती से हमारा नाम तक मिटा दिया जाएगा। मोहतरम सामईन, हमें खुद को बदल कर जिम्मेदार कबूल करने की जरूरत है, एला कलमतुल्लाह के लिए तैयार होने की जरूरत है, फिका बिदअत से पाक होकर कायदो सुन्नत की फिजा को कायम करने की जरूरत है, समाज में फैली अखलाक की बुराइयां जनाकारी बदकारी शराब नोशी जुआ पाची बेपर्दगी और दीगर नाच गाने के आलात और इनके वसाइल अजवाब से माशरे को पाक को साफ करने की जरूरत है ताकि एक पाकीज़ा इस्लामी माशरे को फरोग दिया जा सके, हमें इस्लामी तालीम और तरबियत के जरिए अपने घर और समाज में तब्दीली लाने की जरूरत है, हमें किताब सुन्नत कससुल अंबिया और सीरत सहाबा की रोशनी में जिन्हें इस्लाम पर अमल पैरा होना होगा और ये हमारी तरक्की कामयाबी और नजात का रास्ता है। शायर कहता है सुनो कि अंतमुल आलम ने तुम्हारे लिए ये तीरगी ना रहेगी दिए जलाओ तो तुम अपनी राह को अब भी सवार सकते हो, तुम अपनी राह को अब भी सवार सकते हो, कुरूने उला से आए ना मांग लाओ तो वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक जज़ाकल्लाहु खैर। बेटा आपकी कितनी उम्र है? 9। 9 साल। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं बेटा? तालमुन कुरान। माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर आपने की। आज आपके इस तकरीर के जरिए से यहाँ के जितने भी नाजरीन बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सामीन जो हाजिर हैं यहाँ पर, वो लोग जो सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सबको ये फील हो रहा होगा कि वाकई में ये सारी कमियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से आज हम जवाल के करीब करीब हैं। और वो हमारी बहनें भी अपने हालात ज़ार पे जो चीज़ें दिख रही हैं समाज में, मुआशरे में, उन लोगों ने भी इस तकरीर को सुन करके महसूस किया होगा कि आज हमारे पड़ोस में कितनी बेहयाइयाँ बढ़ गई हैं, कितने लोग इस तरह से गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ अपने सरों पर उड़ेल रहे हैं। इस तरह की सारी चीज़ों को लोग महसूस खुद कर रहे होंगे और हमारी इस छोटी सी बहन ने तमाम लोगों के दिलों में वलवला और अंगेज़ खान चीज़ों के पैदा कर दिया और ये बताया कि तमाम लोगों को चाहिए कि इस्लाम कुरान को पढ़ें और देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या पैगाम दे रहा है और जो जवाल हमारे ऊपर तारी है वो जवाल को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कौन सा रास्ता मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि तमाम के तमाम लोग इस छोटी सी बहन के पैगाम को सब लोग अपने दिलों पर तारी रखेंगे। एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। नाजरीन हमारी छोटी सी सिस्टर बता रही थी कि आज नौजवान किस तरह से किन चीज़ों में उलझ कर रह गया है। नाजरीन हमारी ये छोटी सी सिस्टर आईना दिखा रही थी और जगा रही थी कौम के सोए हुए नौजवानों को और उनसे अपील कर रही थी, तुम कहाँ चले गए, तुम कहाँ खो गए, तुम किन राहों के रसिया हो गए, तुम तो वो थे जो कौम को सही रास्ते पर लगाने वाले थे, आज तुम दूसरों के राहों में खो गए। हमें चाहिए नाजरीन हम इन बातों से सबक लें, अपने आप को सही रास्ते पर लाएं। ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची इस उम्र में हमें पैगाम दे रही थी, हमें सोचना चाहिए। लेते हैं एक छोटी सी राय अपने जज से। बेटा मुझे एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि शायद आप आसमान से भी ऊपर की तैयारी में। बहुत अच्छा, आपने दिल खुश कर दिया, बहुत शानदार जज्बा। हाँ आपके जज्बे को सलाम, मजीद मेहनत करें, ठीक है? बहुत अच्छा। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुम्बद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, ये शेर बिल्कुल फिट आ रहा है हमारी छोटी सिस्टर मुजना इरम पर। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें